वार्ड नंबर ये 6 है और हमारे साथ शंकर सरिया दक्षिणी के एक आप 5 के आप हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आपके पंचायत में या आपके वार्ड में मुखिया जी द्वारा कितना काम हुआ है? मुखिया जी के अपना पर्सनल फंड से कोई काम नहीं हुआ है मेरे यहाँ। पर्सनल फंड आगे सरकारी फंड? सरकारी फंड तो हर वार्ड के लिए निश्चित है, हाँ। और वो आता है, लेकिन उसमें भी कटौती करके हैं, आ जलल तरल काम करके, चाहे अपना वर्चस्व रख के हैं, जो चाहे किए हैं, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ है। सड़क वड़क है आपके यहाँ, आपके घर तक जो है पक्की सड़क? नहीं, घर तक तो नहीं है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं सड़क बनवाने के लिए, मुखिया जी लोग को सड़क बना, मेन सड़क बना, लेकिन गली वाला सड़क अभी तक नहीं बना है। गली वाला सड़क नहीं बना, गली वाला। नाला का सुविधा है? नाला नहीं, नाला का सुविधा ही नहीं। फिर तो पानी कहाँ गिराते होइएगा? पानी कहाँ गिराते हैं, पानी बाल्टी में उजिलते हैं और दूसरे जगह खाल में लखना में लेकर जाकर फेंकते हैं, जो पानी अधिक होता है। जानते हैं हम लोग का देश आजाद हो गया 47 में जी, अभी भी अगर हम लोग पानी फेंक रहे हैं इन्होंने, हाँ, तो कितना दुर्भाग्य का बहुत, बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने नेताजी जो भी है, मुखिया जो भी है, वो काबिल नहीं है? फिर नहीं है का नहीं काबिल नहीं है? जब अगर आप अपना पानी फेंक रहे हैं, आपको कोरोना के टाइम में कोनो मदद मिला था? सरकार तो बहुत पैसा दी थी पंचायत में आपको? बहुत दी थी, तो मुखिया जी जाने और बीडीओ साहब जाने। अच्छा, हाँ, ये कोई नहीं जाना कि कब क्या है। थोड़ा सा हम लोग प्रेशर देते थे तो कुछ अच्छा होता था, कोरोना सेंटर पर लोग खाने पीने के लिए। अच्छा। आ कोई प्रेशर नहीं हुआ तो वो अपने मन से क्या खिलाए, आ का लोग नहीं खाया। अच्छा, मास्क उसके बांटे लोग, बड़ी चारों तरफ मास्क बटाया खूब एकदम? हाँ, मास्क तो बांटे हैं। बाल्टी नहीं, बाल्टी का तो हम लोग 50 बार लीक कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बाल्टी हम लोग के नहीं बटाए। जीविका के द्वारा ही बटाया? हाँ, तो जीविका के द्वारा ही बटवाना था। बाल्टी जो है सब जगह बंट गया, मुखिया जी के जहाँ वोट मिलता है हाँ वहाँ बांट लिए, समझे? अच्छा, तो ये भेदभाव काय हो रहा है आपके पंचायत में? हम देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं लोग यही बात कह रहा है कि जहाँ वोट मिलता है वो नहीं काम करते हैं, जहाँ वोट मिलता है वहाँ काम कर लेते हैं, जहाँ नहीं मिलता है नहीं करते हैं। तो मैंने वो काहे भेदभाव करते हैं? पंचायत में तो सब जीतने के बाद तो सारा सब जाने के मुखिया होगा, है कि नहीं है? सारा जनता उनका अपना हो गया, तो इस तरह का काहे होता है? ये तो उनके मनसा की बात है, वही बताएंगे। अच्छा, मुखिया जी जो है प्रतिनिधि चुनने में भेदभाव नहीं रखते हैं, हाँ। लेकिन वो लोग चुन जाते हैं, हाँ। तो वो काहे भेद करते हैं, इसका कारण तो वही बताएंगे। अभी जब हमारा चैनल जब मुखिया जी का इंटरव्यू कर रहा था, हाँ। तो बहुत दावा किए कि हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए हुए हैं, बहुत टॉप क्लास का हमारा पंचायत है, आप खुद जाके सर्वे कीजिए। तो यही हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि मुखिया जी कितना आदर्श बना है। आपको क्या लगता है, आपका जो पंचायत है शंकर सरिया दक्षिणी, वो आदर्श पंचायत है? ये आदर्श पंचायत चाहे पूर्ण साक्षर पंचायत, सर्वप्रथम जब 25 वर्ष के अंतराल में रामजी प्रसाद शर्मा मुखिया हुए थे तभी कुछ देखने में आया, हाँ। लेकिन उसके बाद कहीं नहीं आया, उसके बाद कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। ये बात सब बेईमानी है कहना। तुमने एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए आप लोग के दिमाग में क्या है, किस कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम लोगों का दिमाग तो अब कुंठित हो गया है, 25 बरस देखते देखते, 20 बरस देखते देखते, एक ही खानदान में एक ही घर में 20 बरस मुखिया रह गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हाँ, भाई विकास विकास हुआ है उन्हीं दोनों भाइयों का। अच्छा। समझे कि चाहे जितना फंड लूट लेना, खा लेना, कुछ कर लेना, हाँ। अब जो है अब जनता जगी है, हाँ, कि वहाँ से बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होना चाहिए ये निश्चित है, बदलाव होगा। अच्छा, मैंने पंचायत अपना मूड बना लिया है कि अब की बार बदलाव कर देना है। तो कुछ ये है जहन में कि किस तरह का मुखिया का चुनाव करना चाहिए? जहन में तो सबको होना चाहिए, हाँ। हैं कि सबसे सबका भला कर सके, जो शिक्षित हो, जो ईमानदार हो, जो यहाँ की लूटपाट से उसको कोई मतलब नहीं हो, हाँ, हाँ, हाँ। जो अपने को परिपूर्ण हो, हैं, और जो मुखिया का चुनाव लड़ रहा हो, हाँ, उसी को वोट दिया जाए उसको। ये तो सबसे बहुत बढ़िया बात आप कह दिए कि जागरूक जो नागरिक होता है, हाँ, वो तो यही सोचेगा, यही सोचेगा, हाँ। तो यहाँ तो बहुत हम देख रहे हैं कि क्या तो वोट नोट के जरिए ले रहा है लोग, हाँ जी। तो उसके बाद तो जाहिर सी बात वो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा कि हम तो खरीदे हैं। देखो, जागरूक जब नागरिक होता है तो आप जो बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का हर पंचायत में लोग सोचने लगे तो पंचायत ऐसे ही आदर्श हो जाएगा। आदर्श पंचायत तो अदर समय में दिखता है, लेकिन वोट के टाइम में नहीं दिखता है। वोट के टाइम में ये दिखता है कि कौन कितना दिया और किससे अधिक लेकर हम ठेकेदारी कर लें,
हैं आ सबको बांटे कि नहीं बांटे पॉकेट में रख ले, वो जीतते हैं अगर वो मुखिया बनते हैं तो इस गांव पर उनका कोई नजर नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा कि भाई हम तो खरीदे हैं तो काम कहाँ से करेगा, और काम करने का अधिकारी भी नहीं है वो। तो यही आप बात बताइए, एक और जल नल जो है बड़ा गांव गांव में चारों तरफ पहुंचा, पाइप एकदम आनन फानन में लोग लगाया, तो आप लोग के घर तक पहुंचा है कि नहीं? पहुंच गया, हमारा 5 नंबर में लगभग नल जल का काम 95% मैंने क्लियर है। और उसमें सुनिए, हमने इसको आदर्श पंचायत बना देंगे, यहाँ तो हम लोग बना देंगे नहीं बना दिए बना दिए हैं, तो वही ना हम बता रहे हैं कि यहाँ जल नल जो टंकी बैठाया गया हो आज तक चला ही नहीं है, किसी भी आदमी से 6 नंबर में पूछ सकते हैं, पंचायत में पूछ सकते हैं। अच्छा 5 नंबर में चलता है 6 नंबर में नहीं, 6 नंबर में चलता ही नहीं, ये दलित बस्ती है इसीलिए वो चलाते ही नहीं। कुछ थोड़ा सा चला जिस समय हमारे यहाँ नहीं चल रहा था तो ये 6 नंबर में चला, और यही नल पर से हम पानी भरकर अपना पीते थे ले जाकर डब्बा में, लेकिन जो बैठा सो बैठे रह गया, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी मतलब एक चीज हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये देखिए नल भी है और यहाँ पे चापा कल भी है, ठीक है ना, मतलब ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन अब इसे नल से तो पानी नहीं गिर रहा लेकिन उम्मीद करते हैं कल से जरूर गिरता होगा, है कि नहीं है? तो आयरन निकलता है इसमें से, आयरन निकल जाता है पूरा आयरन, तो इसमें भी घपला हो गया होगा फिर जी, ये कम से कम 400 से ऊपर फीट हला जी, है जब से हला है तब से इसमें आयरन सिर्फ निकलता है, आयरन वाला पानी, और ये करीब और हम लोग के यहाँ बाल्टी नहीं मिला, पीएचडी वाला पर भरपूर हलाया था वो नीचे गिरा तो उसमें हम लोग को बाढ़ जो आया उसमें थोड़ा हिल गया, इसके कारण से वायरन निकल रहा, बाढ़ से हिल गया, धरती हिला धरती हिला, उससे वो थोड़ा आयरन हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पीएचडी हम लोग का मतलब है जल नल, मतलब जो अभी का जो योजना है जल नल। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि कल भी है और नल भी है, कल से पानी निकलता है आयरन वाला और नल से नहीं निकलता है, नीतीश कुमार लाखों रुपए चाचा खर्चा कर दिए कि स्वच्छ पानी मिलेगा, जब स्वच्छ पानी मिलेगा तब हाँ कहीं से बहुत दिन से भेटा रखा पुरान का मुखिया ने, 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 कैमरा हाँ, कहीं बहुत दिन से भेटा रखा, 4 महीने से नहीं खे आता हूँ बिरदापुर से, तो गई मुखिया ला तो कहते हैं हम पावर में नहीं खे बोल जा बोल, 4 महीना पहले वो कहलन कि पावर में नहीं खे, हाँ मैंने अति जुगा गलनी हम जब नहीं खे 4 महीने से नहीं खे भेटा तो उनका लंग नहीं तो कहते हैं हाँ पावर नहीं खे में जा ब्लॉक में। अच्छा तो मैंने ना पूछनी तो पूछे चाहे केकर पावर में बा कहानी नु तो कहन जे हमसे ना हो जात हम ब्लॉक में खोजी है तभी तो फिर वोट मांगे यन, हां रात में आ जलो रात आ रहल, हां तो रात रो ना कहनी कहानी नु जे हम वोट देवे के पावल नहीं के तो ना बोलला, वोट तो दे हम वोट जरूर दे, उनका बातवा के जवाब देली कि उ कहलन जे हमर पावर लेस बा, हां करे बातवा के जवाब ई देली जे हमर पावर नहीं के वोट देले जवाब देलन वैसन जवाब दे। देखिए यही है पंचायत में, चूंकि क्या होता है ना कि मुखिया जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं या 5 साल बाद जब आते हैं तो लोग भी उनको उस तरह का व्यवहार करते हैं, उचित भी है उस तरह उनका जवाब देना। हाँ अब चूंकि आप बताइए उनके अच्छा बीपीएल में पानी की एपीएल में पानी बीपीएल में पानी तो इंदिरा आवास दे नहीं खन दे 20,000 या भेटल है 20,000 या पहले ही है अभी आपको बाल्टी उल्टी कुछ ना बटाएल कचरा वाला कुछ नहीं के बटाए सबसे पहले दलित को दे। देखिए ये दलित बस्ती है, दलित बस्ती पे खास जी जब बांटने वाली बात आई तो यहीं से 4-5 बाबू टोला है, जब बांट कर 1, 2, 3, 4 हैं आ उधर पूरा अपने यहाँ जो 4 गो वार्ड है उनका 7, 8, 9 उधर सब बांट लिए हैं, 7, 8, 9, 10 बांट लिए सब हो गया, और हम कहे तो ठीक है आप आधार कार्ड हर घर का सदस्य कितना लगता है सब लिखकर 3 बार हमने दिया। अच्छा समझे, लेकिन 3 बार हमारे जो लिखित दिए हम सचिव हैं हमके माध्यम से भी बढ़ता जी जी, तो नल का जल जब हम दे रहे हैं तो उसको डस्टबिन भी मिलना भी चाहिए। हाँ, निश्चित है सरकार की तरफ से कि जितने भी पॉइंट है जितना पॉइंट है उतना डस्टबिन मिलना चाहिए। हैं 3 बार लिख कर हमने दिया लेकिन 3ों को रद्दी के टोकरी में फेंक दिए और फोन करते रह गए, कह के नहीं ना अभी हमको समय नहीं है बात करने का आपसे, जब नहीं है तो हम घर जाते थे तो बैठा दिया अच्छा आ रहे हैं 2 मिनट में आ 3 घंटे के बाद भी मतलब टाल मटोल वाला पूरा कि समय इनके हम बर्बाद कर दे इनके यहाँ वोट नहीं मिलता। एक मिनट थोड़ा सा इनसे हम बात कर ले,
आप जब यहाँ गए थे मुखिया जी तो आपको कुछ नहीं दिए? मैंने इंदिरा आवास आपको नहीं मिला? वृद्धा पेंशन आपका 4 महीने से रुका हुआ है। और कोनो राशन उसन मिलता है? राशन भेटल, पानी नहीं खे, पानी नहीं खे, ना नहीं खे, एक ठोप पानी हमके नहीं खे, बहुत दिक्कत बा पानी के, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत दिक्कत बा पानी के, बहुत दिक्कत रहता है समाज में। तभी जाके बिहार सरकार इस तरह की योजना लाती है कि हाँ क्या बहुत ज़रूरी है जल नल जो है वो बहुत ज़रूरी योजना है। अभी जैसे कि आप इन महिला को सुन रहे हैं कि ये कैसे इनको पानी का, तो पानी फिर आप लाते कैसे हैं? कल में से पानी पी ले, दूसरा के कल में, हाँ, दूसरा कल में से। आज भी देखिए कि एक बड़ा तबका जो है गाँव में जो रहता है, जो ग्रामीण जनता है, वो अभी भी दूसरे के चापाकल से पानी पीता है। और ये बिल्कुल मतलब कि आदर्श पंचायत में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि आदर्श पंचायत है। खैर, और सड़क में इधर से सर इधर में गया है, खाली सोलिंग हो गया है, लेकिन उसका कोई कितना बार हम लोग उनके ऊपर कंप्लेन किए, जैसे हम लोग गांव में जो विकास के जो सड़क बना हुआ है ना, उसको बनवा दीजिए, पक्की रोड बनवा दीजिए, कहते हैं हाँ बनेगा बनेगा, जाओ। उसके बाद में पूछे, बोलते हैं कि वार्ड से पूछो, वार्ड मर गया, उनके पास जाते हैं तो बोलता है वार्ड मर गया, अगला सुनवाई जा करके ब्लॉक में कीजिए। हम लोग सर ब्लॉक में जाते गए, नंबर 6 का वार्ड जो थे वो, हाँ मर गए। कैसे हुआ वो, एक हादसा हमने सुने हैं कि कुछ हुआ उनके साथ? सर जो 5 साल से वो चुनाव होता है, 5 साल से वार्ड का चुनाव होता है, कोई वार्ड नहीं मैंने जीता है, मर जाता है, पता नहीं वो कुदरत का किसम कैसे मर जाता है। इस साल भी वार्ड में कोई नहीं हुआ है, 6 नंबर में, 6 नंबर वार्ड में कोई वार्ड नहीं हुआ, लड़ाई नहीं लड़ा, नहीं लड़ रहा है। अच्छा, तो हम लोग मुखिया के पास में जाते हैं, मुखिया हम लोग बातें नहीं सुनता, सोचता है बोलता है कि बनकट किधर है, हमको पता ही नहीं है, और बोलते हैं कि आदर्श पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे, क्या पता है किधर पता है उनको, बनकट नहीं मालूम है, कहीं और ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं सर इधर, मैंने पुल से उस साइड में अपने पूरा ध्यान देते हैं, कस्बा उस वक्त उधर पूरा अपना ध्यान देते हैं, हम लोग ऐसे दक्षिण में, दक्षिण साइड में हमारा, उत्तर पश्चिम साइड में वो ध्यान नहीं देते हैं। 5-6 नंबर वार्ड पर उसका कोई ध्यान नहीं, कितना बार उनके पास में हम लोग गए सर, हम लोग ठीक है। देखिए लोग डांटे ला ना, हाँ जो हम हमें कॉल पर ना तो यह तो हमारे केव का कबो केव का कॉल पर कबो केव का कॉल पर भर के पी ले सर। नहीं, गंभीर समस्या है ये, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है कि कैसे पानी जो है दूसरे के कल से कब तक कोई ढोएगा, जबकि सरकार इतनी राशि जो है वो जल नल में खर्च कर रही है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर टंकी लगा हुआ है, लेकिन दो साल से काम नहीं कर रहा, 2 साल से वो चला ही नहीं है, यानी कि 18-20-22 लाख का जो भी राशि होगा वो कहीं ना कहीं पॉकेट में चला गया होगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।